नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर। कोलकाता में एक बड़ी कंपनी अवैध रूप से संचालित हो रही है, जिसके पास किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं है। इस कंपनी में कई लोग कार्य करते हैं। अगर इस वर्कशॉप में कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस कंपनी का ना ही इंश्योरेंस है ना ही रजिस्ट्रेशन। इस कंपनी में तैयार होता है एसिड, थिनर, पेंट जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ, लेकिन कोलकाता पुलिस प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इस कंपनी का नाम एसीपिया केमिकल एसिड सॉल्वेट प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी कोलकाता डेमजूस अमता रोड ONGC मेज रुद्रपुर डाकिन जपूरत डेमजूर हावड़ा में स्थित है। इस कंपनी के मालिक का नाम मोहम्मद संवर अली है। अब देखना है कि कोलकाता प्रशासन इस बातों पर कितना ध्यान देती है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या करती हैं? क्या इस कंपनी पर रोक लगेगी या फिर यूं ही चलेगी? अगर कोई आधुनिक घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, पश्चिम बंगाल सरकार या फिर कंपनी के मालिक? पेश मोहम्मद अफरीदी संग लौकुश कुमार की खास रिपोर्ट।